कोवैक्सीन कोरोना टीके पर बड़ी खबर आई है। अब 2 साल से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लगाया जा सकेगा। DCGI से इसकी मंजूरी मिल गई है। बता दें कि भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर कोवैक्सीन को बनाया है। वो भारतीय कोरोना टीका है। कोरोना वायरस के खिलाफ कोवैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स में लगभग 78% असरदार साबित हुई थी। जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर जल्द गाइडलाइंस जारी की जाएगी। इसके बाद ही बच्चों को टीका लगाना शुरू होगा। बताया गया है कि बच्चों को भी बड़ों की तरह कोवैक्सीन की 2 टीके लगेंगे। अब तक हुए ट्रायल में टीके के बच्चों को किसी तरह के नुकसान की बात सामने नहीं आई है। बता दें कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ने 18 साल से कम के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल पूरा कर लिया है। इसमें सितंबर में फेज 2, फेज 3 का ट्रायल हो चुका है। इसका डेटा DCGI को सौंपा जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक उन बच्चों को पहले वैक्सीन लगाई जा सकती है जिनको अस्थमा आदि की दिक्कत है। सरकारी जगहों पर ये वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। हर रोज नए खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले न्यूज़ अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।